सभी आदिवासी साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 वीलॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो वीडियो है हमारे पहले की वीडियोस की तरह ही खास है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है। उसी तरह आज भी हमारे लिए बहुत खास दिन था। अगर आज हम अपना खेत नहीं तैयार कर पाते तो कहीं ना कहीं अभी धान रोपाई के लिए देर होती जा रही है, तो उसके बाद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इसको फिर बिजी समय आ जाता और हम लोग नहीं कर पाते। इसीलिए आज का दिन हमारे लिए खास है। और जिन्होंने भी हमारी मदद की उनको तो बहुत बहुत थैंक्स है। मेरे चचा ही हैं, गांव के हिसाब से रिश्ते में चचा ही लगते हैं। तो और एक बात है जो आप लोग से शेयर करना है कि हमारे आदिवासियों में भी बहुत ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि बहुत से बदलाव हैं, मेंटली बदलाव होते हैं। तो जो लोगों की पहले मदद करते थे, आपस में एक दूसरे को मदद करते थे, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। और हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे एक शहर से आया लड़का अगर यहाँ खेती कर रहा है तो बोलते तो सबको ही है कि अरे ये नहीं कर पा रहा है, तुमको हल नहीं जोतने जान रहा है, अरे तुम अभी तक नहीं खेत जोता है। मगर जब हेल्प करने की बात आती है तो कोई हाथ नहीं बढ़ाता है। तो इसी से एक बात और समझ आती है कि प्रैक्टिकली कोई किसी की मदद नहीं करता। और गांव की लाइफ तो और हार्ड है, वहाँ आपकी मदद कोई नहीं करेगा। अगर आप अंदर से मजबूत हैं और करने की इच्छा है तभी आप रह सकते हैं। ये बात सिर्फ गाँव में नहीं, शहर में भी लीगली आप समझिए तो ये वैल्यू करती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग को देखने लगा कि गांव की लाइफ सच में हार्ड है। और कोई बात नहीं, अंदर से मजबूत होने चाहिए, सब काम हो जाएगा। और आज की वीडियो देखिए, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग ने कैसे खेत तैयार किया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि हम लोग ने रोपाई कैसे की। तो अभी फ़िलहाल हम लोग समय ना गंवाते हुए देखते हैं हमारी वीडियो, तो चलिए चलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत चीज़ें हैं जो मुंडा में बोली गई हैं, यानी मुंडा भाषा में बोली गई है। तो अगर ना समझ आया तो बहुत जल्द हम लोग उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे हिंदी में, ताकि आप लोग को समझने में, देखने में और व्लॉग का जो मज़ा है वो लेने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की जो मेन लोकेशन है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। देख सकते हैं वो चचा खेत जोत रहे हैं। तो आज हम लोग अपनी मेन लोकेशन यानी हमारे खेत पर पहुंच गए हैं। तो आज का वीलॉग हम लोग यहीं शूट करेंगे। दादो हम गिनता ही आकड़ा ची नी मिन गिता चिड़ोगे नी दाउड़ोगे ची मिनंगे अच्छा ठीक नी तो थोला का यम अतड़ कम ये ना हाने अंतर में आउली आउ जड़ हाने अंतर अब ये आउलेन अच्छा। ये है लेवलर दोस्तों, इसे हमारी मुंडा भाषा में अतड़ा गुम भी बोलते हैं। इसका काम है जमीन को फिर से लेवल में लाना, मतलब जोती गई जमीन को फिर से लेवल में लाता है। ठीक है, तो इसका काम हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग को चाचा ने बोला तो हम लोग इसको खेत तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये हो रही है जुताई, वो भी भैंसों से। तो अभी आप देख सकते हैं जुताई में कितना उबड़ खाबड़ हो जाता है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को हम लोग, और बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों, आ गया है आपका भाई मैदान में। तो अब हमारा काम है जिन जगहों पर हल नहीं पहुंच पाता है उन जगहों पर कुदाल से बनाना, यानी मैन्युअली हम लोग को उस जगह को खेती के लिए तैयार करना होगा। तो घास हटानी होगी और हम लोग को वहाँ समतल और तैयार करना होगा। हाँ तो खाली ये बड़ा नहीं कहना आपको तो पता है।
ट्रैक्टर ते मैं ले रहे हो मस्किल के। तो दोस्तों ये देखिए अब हो रहा है अकड़ा बोल, इसको मुंडारी में हम लोग अकड़ा गम बोलते हैं और अगर इंग्लिश में बोले तो लेबलिंग हो रहा है। अब जो ऊबड़ खाबड़ देखिए छोटे छोटे टीले निकले हुए थे उन सबको लेबल किया जा रहा है इस लेबलर की मदद से। तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप। आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाना था हम लोगों की कैसे हम लोग अपने छोटे से खेत का खेती कर रहे हैं और आदिवासी क्षेत्र में कैसे खेती होता है उसी का एक दिखाना था। तो अभी हम लोग कर रहे हैं केड़ा लोग से खेती, केड़ा मतलब भैंसा लोग से, भैंस लोग से खेती। ये ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ऐसे ही हम एकदम ज़मीन स्तर पर आदिवासियों की ज़िंदगी को आपके सामने हमारे वीडियोज़ के थ्रू लाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को, उनकी हार्ड लाइफ को हम जितना हो सकेगा बारीकी से आपको दिखाएंगे। तो इससे हो सकता है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही इंस्पिरेशनल है, इंस्पिरेशन से भरी हुई है। कहीं ना कहीं ये सब हम लोग इंस्पिरेशन देते हैं कि आज भी ये लोग बहुत हार्ड लाइफ है। तो जैसे मेरा पीछे देख सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज का काम हुआ हम लोग का ख़त्म, हमारा खेत तैयार है अब रोपाई के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रोपाई कैसे की जाती है, जो हो सकता है आज शाम से हो या फिर कल। तो वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम लोग सीखेंगे रोपाई।